हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं लम्मा नेटवर्क चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी गैस सिलेंडर का पेमेंट आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे भारत गैस हो गया या फिर एचपी गैस, ये कोई एक गैस सिलेंडर आता है और आप नहीं चाहते हो कि आप उन्हें कैश देना। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है आप सभी को पता है, तो आप अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी में आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर देंगे। जो आपका गैस डिलीवरी वाला जो डिलीवरी बॉय होगा वो आपके घर पर ड्रॉप करके चला जाएगा, वहाँ पे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो। तो आपने कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप किसी भी गैस सिलेंडर का पेमेंट कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्योंकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर उनको नहीं पता होगा तो उनको भी पता हो जाएगा ये छोटी सी ट्रिक। तो आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने बुक कर लिया, उसका पेमेंट करना है, तो सिंपली पेमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, फ़ोन पे ऐप ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आप ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे चल रहा है। तो आपने क्या करना है, बुक अ सिलेंडर आपने करना है। मतलब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बुक अ सिलेंडर का, सो सिंपली आपने बुक अ सिलेंडर पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भारत गैस और एचपी गैस का, मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एचपी गैस का, तो सिंपली मुझे एचपी गैस का पेमेंट करना है। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी स्टेट हो यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने अपने सिलेंडर का पेमेंट करना है और आपको वहाँ पे आपके डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे। तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर, बाय चांस फिर भी आप बहुत ही केयरफुली डिटेल फील कीजिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपना स्टेट। स्टेट के बाद सेलेक्ट कर लिया हमने अपना डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए हमने अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एचपी के सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो उनकी कुछ इस तरीके से लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका जो सिलेंडर वाला हो, फॉर एग्जांपल कि या फिर आपका जो भी एजेंसी है, यहाँ पे आपकी एजेंसी का नाम शो होगा, तो आपने अपने एजेंसी का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं देख लीजिए श्रीनाथ एचपी गैस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कंज्यूमर नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना कंज्यूमर नंबर आपने डालना है, ना कि आप यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए डिटेल फील कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूँ, यहाँ पे आप पे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो पे आप अपनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपने कंज्यूमर नंबर 6 डिजिट का होता है, स्पेशली अगर हम एचपी की बात करें, तो आप अपना रेडी रखिएगा। तो जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कंज्यूमर नंबर आपकी स्क्रीन के सामने डाल दिया। आप जैसे डालूंगे तो कंफर्म पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी स्क्रीन के सामने उनका डिटेल्स भी आपका ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमर नंबर जो है वो ये है, यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है शमशाद अली, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से अब इसके बाद आप यहाँ से पेमेंट को कहाँ से डिडक्ट करवाना चाहते हो, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप UPI भीम यूज़ करते हो तो UPI भीम ऐप से कर लो, UPI से कर लो, या फिर आप डेबिट कार्ड से करना चाहो तो डेबिट कार्ड से कर लो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहो तो आप क्रेडिट कार्ड से कर लो। सो यहाँ पे आप 3 तरीके से पेमेंट को कर सकते हो। अगर आपने UPI से करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर पे जाना है, पे बिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और UPI का पिन डालेंगे और आपका जो गैस सिलेंडर है वो बुक हो जाएगा, और जो आपका जो डिलीवरी मैन है जो आएगा घर पे आपके, तो वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे आप अपने गैस सिलेंडर के बुकिंग को पेमेंट कैसे कर सकते हो। अगर आपने सिलेंडर को बुक किया हो तो उसका पेमेंट आप ऑनलाइन करना चाहते हो, आप बहुत ही आसानी में आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्त अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।